हेलो डियर स्टूडेंट, नंबर थर्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल तक हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड उनको पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था पोर्टर ने, पोर्टर किथ पोर्टर और थॉम्पसन दोनों ने 1945 में डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्लियर? लेकिन जो टर्म्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो टर्म्स दी थी पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स टर्म्स गिवन बाय पोर्टर 1953। क्लियर? उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखो, जो हमने आपको सेल बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, क्लियर, उनमें हमने बताया था कि जैसे कि एक सेल होती है और सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। वो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के आउटर एक और मतलब कि लेयर होती है, वो होती है सेल वॉल। तो लिविंग जो मतलब पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन और बिल्कुल सेंटर में है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों को जोड़े रखने का वर्क जो है वो कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स इसके इंटरनल, तो ये किससे जुड़ी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और लास्ट कहाँ तक जुड़ी होती है? प्लाज्मा लेमा, यानी कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक। इन दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो, एग सेल मैच्योर आरबीसी, एम्ब्रायोनिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल, इन सेल्स को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स होती है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एग सेल, मैच्योर आरबीसी, एम्ब्रायोनिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन की नेचर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के नेचर पर एक टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक होती है एस ई आर और एक होती है आर ई आर। S-E-R, that means smooth, और R-E-R में R that means rough। Smooth endoplasmic reticulum और इधर rough endoplasmic reticulum, दोनों में difference क्या क्या होते हैं? इधर देखो, S-E-R, ये वाली S-E-R है और ये वाली कौन सी है? R-E-R। तो पहला अंतर इनमें दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर यही हो रहा है कि SER जो है वो स्मूथ क्यों है, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स जो होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और इधर RER जो है, इनकी जो मेम्ब्रेन है इनके ऊपर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है कहाँ पर? RER की जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पर। तो पहला जो अंतर है वो यही होगा कि इन दोनों में SER जो होती है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और इधर RER में राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सेकंड, जो SER होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं तो ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करते हैं, लिपिड को सिंथेसिस करते हैं,
और नंबर थर्ड स्टेरॉइड, इनको क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कौन, एस ई आर ग्लाइकोजन लिपिड्स और स्टीरोइड का क्या करते हैं, सिंथेसिस। आर ई आर जो होती है वो, आर ई आर जो है वो प्रोटीन और एंजाइम, इनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है प्रोटीन का और एंजाइम का। क्लियर। नंबर थर्ड पर आता है कि जो एस ई आर जो होती है, एस ई आर वो बिल्कुल पेरिफेरल होती है, जैसे कि जो ये सेल है, सेल का ये तो इंटरनल पार्ट हो गया, ये पेरिफेरल वाला पार्ट हो गया, तो इधर जो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो होती है वो पार्ट होता है पेरिफेरल वाला। तो ये जो एस ई आर है, ये आर ई आर है, ये किधर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और ये किधर होती हैं, एस ई आर सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो एस ई आर कैसी होंगी, पेरिफेरियल, जिसके कारण ये कनेक्ट होती हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। और जो आर ई आर होती हैं वो इनसाइड होती हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ होती हैं, न्यूक्लियस की तरफ। तो ये कैसी हो जाएंगी, इंटरनल, इंटरनल। क्लियर। और किससे कनेक्ट होती हैं ये, न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। क्लियर। नंबर 4, जो एस ई आर होती हैं, एस ई आर वो वेसिकल्स और ट्यूबुल्स को क्या करती हैं, ट्यूबुल्स जो है उनकी फॉर्म में होती हैं, यानी कि उनको क्या करती है, उनका फॉर्म करती है। एस ई आर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, उनको क्या करती है, डेवलप करती है, या फिर उनकी जो फॉर्म है उनको क्या करती है, डेवलप करती है कौन, एस ई आर। किधर, ये जो होती है ये सिस्टर्नी, सिस्टर्नी उनको क्या करती है, डेवलप करती है, यानी कि उनका क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। इनके अलावा इफ फ्यू, मतलब कि कुछ इफ फ्यू ये क्या करती हैं, जो तो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको भी क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, उनका भी फॉर्मेशन करती हैं। नंबर 5, इनका जो मतलब कि डेवलपमेंट होता है, एस ई आर का, एस ई आर का डेवलपमेंट होता है आर ई आर से, एस ई आर का डेवलप जो है वो किससे होता है, आर ई आर से। और आर ई आर जो है उसका डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डेवलपमेंट। तो ये 5 डिफरेंस है एस ई आर और आर ई आर में, एस ई आर और एस ई आर में क्या हो गया, 5 डिफरेंस। क्लियर। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 ट्यूब्यूल्स, नंबर 3 वेसिकल्स। तो नंबर 1 पर आता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी होती है, इसका डायमीटर होता है 40 to 50 नैनोमीटर, 40 to 50 नैनोमीटर। वेसिकल्स जो होती हैं, सॉरी ट्यूब्यूल्स जो है, ट्यूब्यूल्स का डायमीटर होता है 50 to 100 नैनोमीटर। वेसिकल जो थर्ड है इनका डायमीटर होता है 25 to 500 नैनोमीटर। क्लियर। ये तीनों में डिफरेंस है कि तो इनका जो डायमीटर जो है ये तीनों का डायमीटर हो गया 40 to 50 नैनोमीटर, सिस्टर्नी का, ट्यूबल्स का 50 to 100 नैनोमीटर, वेसिकल्स का 25 to 50 नैनोमीटर। क्लियर।
नंबर दो, सिस्टर्नी जो होती हैं, सिस्टर्नी एकदम फ्लैट होती हैं। सिस्टर्नी क्या है, एकदम फ्लैट। सिस्टर्नी क्या, एकदम फ्लैट है और आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है। ये आपस में इंटरकनेक्ट है और फ्लैट होती हैं। क्लियर, आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती हैं और फ्लैट होती हैं और बिल्कुल एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ये एक दूसरे की एकदम क्या है, पैरेलल, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, फ्लैट होती हैं और इंटरकनेक्ट होती हैं। क्लियर। नंबर दो, ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड भी होती हैं और अनब्रांच्ड भी होती हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। क्लियर। और डायमीटर 50 to 100 नैनोमीटर। इसके बाद जो वैक्यूल्स, जो वेसिकल्स जो होती हैं, वेसिकल्स की बाहर की तरफ छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो बॉडीज यानी कि पाए जाते हैं, सूक्ष्म जो है मतलब कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोसोम भी कहा जाता है, माइक्रोसोम। क्लियर। तो ये तीन फॉर्म में होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इनके जो फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन में नंबर एक पर आता है कि जो मतलब कि फर्स्ट फंक्शंस ऑफ ईआर, फर्स्ट जो है कि जो ईआर होती हैं वो बिल्कुल एक लार्ज मतलब कि स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं एक सेल को इंटरनल साइड में। जैसे कि ये सेल होगी कंप्लीट, ये सेल हो गई और बीच में इसमें हो गया न्यूक्लियस। क्लियर। तो जो ईआर होती है वो एक लार्ज स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं इनसाइड द सेल। यहाँ पर क्या होंगी, ईआर प्रेजेंट होंगी जो क्या करती हैं, सेल को एक लार्ज स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं। फर्स्ट लार्ज स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं इनसाइड द सेल। क्लियर। सेकंड, इट फंक्शन एज साइटोस्केलेटन। ये जो ईआर होती हैं वो क्या करती हैं, एक सेल को एक फंक्शन प्रोवाइड करवाती है साइटोस्केलेटन का, साइटोस्केलेटन। क्लियर। नंबर थर्ड पर आता है कि जो ईआर होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ईआर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों से क्या होती है, कनेक्ट होती है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है, कनेक्ट। दैट मींस जो ईआर होती है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया पूरा कंप्लीट। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जितने भी मतलब कि मटेरियल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है उनका वर्क कौन करती है, ईआर। यानी कि न्यूक्लियस से मटेरियल को साइटोप्लाज्म में कौन लेकर आता है, ईआर। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म इनमें, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल आता है उनके ट्रांसपोर्ट का वर्क कौन करती है, ईआर। क्लियर। नंबर फोर, न्यूक्लियस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में। और मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में जब डिफरेंस बताया उस टाइम कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सॉरी यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों मतलब कि जो प्रोसेस होती हैं वो अलग अलग मतलब की जगह पर होती हैं। मैंने आपको बताया था किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस
और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वो होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन। क्लियर। दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहाँ होगी, न्यूक्लियस में होगी। क्या बनेगा, आरएनए कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। कौन लेकर आएगा, ईआर। तो फोर्थ फंक्शन क्या हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है उस आरएनए को साइटोप्लाज्म में कौन लेकर आता है, ईआर। क्लियर। आरएनए को साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। क्लियर। नंबर फाइव, जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जब मैं मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन जब होता है उस टाइम इनको कैल्शियम आयनों को रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पर क्या आता है कि मैंने अभी आपको बताया था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन लिपिड स्टेरॉइड, इनका सिंथेसिस किसमें होता है, एस ई आर या फिर आर ई आर, एस ई आर में होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है इसका मतलब कि सिंथेसिस, इसका सिंथेसिलेशन कहाँ होता है, लीवर सेल में। लीवर सेल लिपिड का, लिपिड को सिंथेसिस किया जाता है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू। और जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनको टेस्टिस, टेस्टिस जो सेल होती है इनमें क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है इनका। इनके अलावा यदि हम बात करें जो एस ई आर, जो आर ई आर होती है वो प्रोटीन का क्या करती है, सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है एस ई, सॉरी आर ई आर। वो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रोसेस कहाँ होगी, राइबोसोम्स में। क्लियर। तो इसमें ये इसके फंक्शंस थे कुछ। नंबर एट कि जो ईआर होती है वो सेल को लार्ज स्पेस प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि इनसाइट। सेकंड, साइटोस्केलेटन का वर्क करती है। ईआर जो है न्यूक्लियस में बनने वाले जितने भी मटेरियल है उनको साइटोप्लाज्म में लेकर आने का वर्क करती है। ईआर जो आरएनए बनता है किसमें, न्यूक्लियस में, उसको साइटोप्लाज्म में लेकर आती है। कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, जब मसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें रिलीज करती हैं। ग्लाइकोजन लिपिड और स्टेरॉइड जो है इनका सिंथेसिस करती हैं। ग्लाइकोजन का लीवर में, लिपिड का एडिपोज टिश्यू में, और स्टेरॉइड का टेस्टिस के अंदर क्या करती हैं, सिंथेसिस करती हैं। ये इनकी क्या थे, फंक्शंस थे। क्लियर।